गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 7 दीपावली वो समझने वाले। दीपावली है वो बच्चों का बहुत ही प्रिय त्योहार है। इसमें फटाके जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर को साफ करते हैं। तो आज है हम वो लेसन समझेंगे। आज दीपावली है यानी कि दिवाली का त्योहार है। सब लोग बहुत खुश है, आनंद आनंद से दीपावली का त्योहार है वह मना रहे हैं। सबने नए कपड़े पहने हैं, दिवाली का त्योहार है तो सब लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। तो सब लोगों ने नए कपड़े पहने, सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। तोरण बांधने से कि हम त्योहार का स्वागत करते हैं, इसलिए सारे शुभ प्रसंग पर तोरण बांधे जाते। तो सब लोगों ने अपने दरवाजों पर तोरण बांधे, सबके घर साफ सुथरे हैं। सभी लोगों ने त्योहार का आनंद मनाने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए पूरे घर की साफ सफाई कर दी है, इसलिए सब लोगों के घर है वह साफ सुथरे। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। बच्चों का तो काम ही है, दिवाली आई कि पटाखे चालू, तो बच्चे सारे वह पटाखे फोड़ रहे। सब जगह रोशनी रोशनी, चारों ओर दिवाली है। तो कहीं भी देखो, सभी घरों में, रोड पर, दुकानों पर, सभी जगह रोशनी रोशनी नजर आती है। दीपावली त्योहारों की रानी है, सारे त्योहार है उसकी रानी है दीपावली। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कि लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि सभी लोगों के घर में लक्ष्मी की बरसात हो। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। दिवाली हर साल अश्विन मास में आती है, आशो महीने में दिवाली है वह आती है। अभी ये जो लेसन समझा उसके थोड़े प्रश्न जवाब है वो देख लेते हैं। आज सब लोग क्यों बहुत खुश है? क्योंकि आज दिवाली अथवा तो दीपावली है। दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली के दिन किसकी पूजा होती है? दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अभी इसके बाद का प्रश्न आया खाली जगह देख लेते हैं। लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर खाली जगह बांधते हैं, क्या बांधते हैं? तोरण। दीपावली पर बच्चे खाली जगह फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं? पटाखे। सब जगह खाली जगह ही खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या आएगा? रोशनी ही रोशनी। दीपावली खाली जगह की रानी है, तो त्योहार। दिवाली हर साल खाली जगह मास में आती है, तो आश्विन। अभी ये जरा चित्र देखो और कौन सा त्योहार है ये कहो। तो पहला है रक्षाबंधन। अभी ये कौन सा त्योहार आया? होली। ये कौन सा त्योहार है? ईद। ये देखो सभी एक दूसरे के ऊपर ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये कौन सा त्योहार है? जन्माष्टमी। ये देखो दोनों खेल रहे हैं यानी कि नवरात्रि। और ये तो के क्रिसमस। अभी ये लेसन है वह वापस एक बार देख लेना ताकि एकदम समझ में आ जाए, और फिर जो मैं असाइनमेंट दूँ वो असाइनमेंट लिख डालना।